जी, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आप मुझे बताइए यहाँ पे, हाउ डज एटमोसफियर एक्ट एज अ ब्लैंकेट, बताइए कैसे अर्थ एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है भाई। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और ये एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वही तो काम हमारा ब्लैंकेट भी करता है भाई। नहीं, नहीं यस सुन रहे क्या आवाज? ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कॉजेस विंड्स, तो आपको तो पता ही है विंड्स कैसे बनती है, हवाएं कैसे बनती है, समझ में यस आया? यस क्लियर है? अच्छा जी, यस अच्छा, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, कोई सीक्वेंस बताओ, पहले तो एवेपोरेशन होगा एंड देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होते ही क्लाउड फॉर्म हो जाएगा, समझ में आया? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि रेनिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म हो, और क्लियर है? यस सर यस सर हाँ, यस तो सर नेक्स्ट है, लिस्ट थ्री ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन, ह्यूमन कैसी तीन एक्टिविटी बताओ जो एयर पोल्यूशन करा सकता है। सर एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स का एक्सेसिव यूज करना बहुत बढ़िया, उससे फिर बहुत भयंकर पॉल्यूटेंट वाले गैसेस। अनइवन कटिंग ऑफ ट्रीज हाँ, ट्रीज भाई, तुम कहीं से क्या डिफोरेटेशन क्या कहीं से नकल मार के लाए? डिफोरेटेशन डिफोरेटेशन डिफोरेस्टेशन, चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है। अब हम बात करते हैं आगे, फाइनली आपका जो आज की क्लास है वो अब जा करके स्टार्ट होती है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर अ वंडर लिक्विड, वाटर एक वंडर लिक्विड है। आप लोग वाटर के बारे में क्या क्या जानते हैं मुझे बताओ, पानी क्या क्या काम करता है पानी ही आपकी? जीवन है, पानी ही जीवन है, अच्छा, जल ही जीवन हर है, जीवन है, जल ही जीवन है, अच्छा जल ही जीवन है, जल और सर पानी एक ही होता है। माता जी पिता ही वाटर जीवन है, हमारी अर्थ सरफेस पे 71% उसने एरिया कवर कर रखा है वाटर ने, चल जल है तो कल है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, सर चलो जल है तो वो भी है कल भी है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब कल को छोड़ो आज पे आ जाओ। ठीक भी बात कर रहे हैं इधर, क्या ओपन हो गया मेरे से, चलो भाई सुनो। हाँ, वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, सभी जानते हैं भाई इस अर्थ की सरफेस का वाटर ने क्या कर रखा है, बहुत लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है कि नहीं कर रखा, यस कितना कर रखा है, कितना परसेंट यस उसने बताया, कितना परसेंट? 71 71 75 पढ़ाता हूं मैं, है ना, 70 के बीच में, 70 और ओके 75 के बीच में, ओके। और कुछ वाटर कहाँ मिलता है, अंडरग्राउंड में भी मिलता है, सेम अमाउंट यस ऑफ सर वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाई हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर तो होता ही है। अच्छा, यस मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सी, ज्यादातर पानी कहाँ मिलता है हमारे अर्थ सरफेस का, सी में मिलता सी है, ओशियंस में में मिलता है, समुद्र में जो कि सेलाइन ओशियंस है, जो कि क्या है, सेलाइन है, सेलाइन मतलब उसके अंदर सॉल्ट हाँ सॉल्ट मिला हुआ है, सी सॉल्ट मतलब सागर, ओशियन मतलब महासागर, ठीक है आपने सुना होगा। अच्छा जी, फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर को ही हम पी सकते हैं, ठीक है याद रखना, फ्रेश वाटर को ही हम लोग सर पी सकते हैं, इज फाउंड इन फ्रोजन, मतलब कि वो जमा हुआ है किसमें, आइस केप्स की फॉर्म में, हमारे दो पोल्स पर, और जो कि आप देख सकते हो स्नो कवर्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने पढ़ा होगा अर्थ जो है, अर्थ के मैंने दो हिस्से बताए थे आपको, इक्वेटर पोल, पढ़ा है कभी इक्वेटर पोल? नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा, यस सर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते नॉर्थ हैं, पोल इसको तो नॉर्थ बोलते हैं पोल पोल, है ना, ये पोल हो गया, पोल हो गया, इधर वाले इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ड आया ना, ये क्या वर्ड आया यहाँ पे, ये पोल्स, तो जो दो पोल्स हैं ये बहुत ठंडे एरिया हैं अर्थ के, यहाँ पे आर्कटिका अंटार्कटिका पढ़ा होगा ना आपने, नहीं पढ़ा? यस सर हाँ, तो ये नॉर्थ होता है पोल यहाँ साउथ पे, पोल हाँ, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, और एक सब बात याद माइनस रखना, में रहते हैं यहाँ पे हाँ ज्यादा हाँ और एक बात याद रखना, मैंने अभी आज ही 10th वालों को पढ़ाया था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे,
ऐसे ऐसे बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी, मतलब कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलने के चांसेस हैं? इक्वेटर पर, इक्वेटर वाले एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है और यहाँ पे उतना टेम्परेचर है जो कि लिविंग के लिए क्या है, जरूरी, मतलब सूटेबल टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग बायोडायवर्सिटी मिलती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। भाई क्लियर है? नहीं है सर, मैं यहाँ तक? यस सर। ओके जी, अब आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इसके बाद आगे बात करते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज ऑल्सो फ्रेश। जो पानी हमारे जमीन के नीचे है, नदियों में मिल रहा है, झील में मिल रहा है, पॉन्ड से मिल रहा है, ये सभी पानी भी क्या है? फ्रेश वाटर ही है और हम फ्रेश वाटर को ही पी सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, यस सर। हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी प्लेस वाइज प्लेस बदलती रहती है। जैसे कि कुछ एरिया में तो बहुत ज्यादा अंदर तक खोदने के बाद ही पानी नहीं मिलता है, और कुछ कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? जो जैसे कि नदी के पास रह रहे हैं या फिर समुद्र तट वाले। हाँ सही कह रहे हो आप, तट वाले जो एरिया हैं वहां पर पानी थोड़ी सी ही गहराई में मिल जाता है। भाई मानते हो कि नहीं? ठीक है ना? यस सर, मानते हैं। प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ज्यादातर क्या होता है, जब समर का टाइम आता है तब पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है। राजस्थान साइड में पानी की शॉर्टेज रहती है। यस सर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद और आगे बात करते हैं। क्यों क्यों भाई, गर्मी के टाइम में ही पानी की शॉर्टेज क्यों रहेगी? जल्दी बताओ, अपना दिमाग दौड़ाओ, बताओ। जमीन सूख जाती है सर। कैसे? सूख के कहाँ चला गया? धूप की वजह से जमीन पी लेती है जमीन। हाँ, एटमॉस्फेयर में हो जाता है। ओके ओके, अरे हाँ भाई पता है। अब से क्या करेंगे, आपको जो भी जवाब देना है वो आप क्या करोगे, मेरे को हैंड रेज कर देना और फिर मैं आपको मतलब परमिशन दूंगा जवाब देने के। ठीक है? कोई भी नॉनसेंस करेगा, दो तीन बच्चे एक साथ बोलेंगे, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा भाई ऐसे। ठीक है? नहीं तो क्लास यही खत्म कर दूंगा। हाँ भाई, रोहतास भट्ट ने हैंड रेज किया है, रोहतास भट्ट जवाब देंगे। बताओ भाई रोहतास जी, क्यों क्या हो गया ऐसा कि पानी सब गायब हो गया? एवेपोरेशन बंद हो जाती है। ओके, मैंने आपको साइंस के टर्म में एक जवाब बताया, एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट बताया था, लाइक व्हाट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना और अ बल्क फिनोमेना। बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, बहुत बढ़िया, तुम्हें याद है, हैंड रेज करना है। हैंड रेज किया है तीन बच्चों ने, पार्की, शमा और मैम। तो शमा जवाब देंगी, बताओ ये शमा। सर, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बल्क फिनोमेना क्या है? हैंड रेस को मैं एक को मौका दूंगा बोलने का। हाँ जी मोनिका बताओ। बॉइलिंग। बॉइलिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है भैया। और कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस फिनोमेना एंड बल्क फिनोमेना? अभी देखता हूँ किस किसने हैंड रेस किया है। शमा नहीं कर रखा है क्या? बस हैंड रेस। मयंक बताए भाई, मयंक बताओ। सर, एवेपोरेशन में तो जो हमारे पास ऊपर ऊपर का ही, जो ऊपर ऊपर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बस वो ही एवेपोरेट होते हैं। बॉइलिंग में पूरा एवेपोरेट वाटर होता है। चलो बहुत बढ़िया, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड रेस कीजिएगा। मुझे ये बताइए कि सरफेस का ही पानी क्यों गया उसमें एवेपोरेशन में, जबकि बॉइलिंग में सभी वाटर ऊपर चला गया? नहीं बोला नहीं है, बोला नहीं है। कौन है भाई? ध्रुव, ऐसे नहीं चलेगा काम, ध्रुव मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। हाँ जी, तो रोहतास जवाब देंगे, रोहतास बताओगे। सर, क्योंकि बॉइलिंग प्रोसेस में ना, मतलब कि बॉइलिंग करने से नीचे से
गर्मी आती तो पूरा वो एवेपोरेट हो जाता है और उसमें नहीं, 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 जो दूसरे ऐसे नहीं ऐसे जवाब दे भूमि जवाब दे भूमि मंगला जवाब दो भाई सर क्योंकि वो ना मोशन में रहते हैं उसके मॉलिक्यूल्स मोशन का मतलब क्या कौन सी एनर्जी भाई काइनेटिक एनर्जी हाँ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं फिर एंड द रूरल एरिया जो रूरल एरियाज हैं रूरल एरियाज मतलब जो गांव साइड वाले एरिया हैं जहां पे वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है भाई गांव साइड में ना हैंडपंप ज्यादा होते हैं वहां पे वाटर सप्लाई नहीं होता है वाटर सप्लाई आपने सुना है कभी वाटर सप्लाई अलग से आता है वाटर सप्लाई मतलब जो मोटर से पानी चला रहे मोटर चला दो मोटर मैं जेड की बात नहीं कर रहा हूँ जो सबमर्सिबल लगे हुए हैं हमारे एरियाज में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोलते ना मोटर चला लो पानी आ गया है वो वाटर सप्लाई का पानी है ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ ओके सर ले लिया हमने तो ओके बहुत बढ़िया आगे चलते हैं फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं अच्छा जी लोग जो है उनको जबरदस्ती स्पेंड करना होता है उस कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन फेचिंग वाटर फ्रॉम फार अवे सोर्सेस वो पानी को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक भी जाते हैं सर पे कुछ रख के जाएंगे हमें पानी लेने जाना है हमें और आपके इस एरिया में तो नहीं देखने को मिलता है ऐसे लेकिन जो बहुत ज्यादा गांव साइड वाले एरिया से राजस्थान वगैरह तो वहां पे लोग जाते हैं पानी को लेने के लिए दूर दूर तक आपने देखा भी ऐसे पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ भी करे होंगे कभी जिंदगी में क्लियर है भाई यस सर यस सर इस साथ बात करते हैं अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा आपसे आपको ही जवाब देना है आप जैसे महान इंसान जो कि देश का फ्यूचर तो जवाब दीजिए मुझे पानी इतना जरूरी क्यों है भाई दो चार ऐसी बायोलॉजी के प्रोसेस बताओ जिसमें पानी यूज में होता है पहले बायोलॉजी के प्रोसेस बता रहा ठीक है नहाना तो बता देना अच्छा हाथ रेज किया है चार बच्चों ने पांच बच्चों ने हैंड रेज किया है ध्रुव वर्मा के घर से तो भाई वो आ रही है आवाज आ रहा है तो जवाब देंगे ये अंश जवाब दो भाई सर ये जो वाटर होता है वो उससे मतलब हर बायोडायवर्सिटी को वाटर की नीड होती है जैसे कि प्लांट्स को तो इसलिए होती है प्लांट्स बताओ? को ग्रो करने के लिए हेल्प और अच्छा। हमें ड्रिंकिंग के लिए या फिर हमारी भी बहुत सारी यूजेस हैं वाटर के लिए देखिए मैंने बायोलॉजी का प्रोसेस बोली है यू हैव टू आंसर लाइक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन लाइक दैट ठीक है ओके कोई बात नहीं मैं और बच्चों से पूछता हूँ हैंड रेस किया है सबसे ऊपर हाथ है यहाँ पे मोनिका मोनिका बताओ फोटोसिंथेसिस एवेपोरेशन ये तो मैंने बता दिया आप मुझे बताओ एवेपोरेशन बोला क्या आपने नहीं एवेपोरेशन नहीं बोला अच्छा एवेपोरेशन से क्या फायदा है प्लांट को ये बताओ और प्लांट के अंदर जब एवेपोरेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोलो मोनिका फोटोसिंथेसिस गलत मैंने पढ़ाया था आपको नहीं। ये क्षमा बताएंगे क्षमा बताओ भाई ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसको अगर लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो बताओ शमा तुम्हें बताओ लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो सर पता नहीं है तो हाँ ये बताएगा फिर रोता वो होता है वो एक्सक्रीशन नहीं होता मैंने ग्यूटेशन नहीं पढ़ाया ग्यूटेशन यस सर वही होता है ड्यूटेशनल अरे ड्यूटेशनल नहीं ड्यूटेशन जी यू डबल टी ए टी आई ओ एम एक बार आपने बताया चलिए कोई बात नहीं हो जाता है इस बार में कोई बात नहीं अच्छा जी अच्छा क्या सभी ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यस सभी जीवों को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ऑल देखो इसमें लिख भी रहा है ऑल सेलुलर प्रोसेसेस इसमें लिख रहा है ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम जितनी भी सेलुलर प्रोसेस है मैंने आपको पढ़ाया था भाई सेल वाले चैप्टर में सेल वाला चैप्टर आता होगा मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ देखो आपने पढ़ा होगा मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूँ इसमें ठीक है जी इसको सबको क्लीन कर देते हैं मैंने आपको पढ़ाया था देखो ये एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है ठीक है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है इधर बाहर क्या भरा हुआ है
बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इधर में है साइटोप्लाज्म और इधर में है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये है जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? भाई ये क्वेश्चन अभी पूछने का तो नहीं, आप यहाँ सुन लीजिए ध्यान से, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, लास्ट में लेंगे ना आप कैसे इस तरह के डाउट को, फिलहाल यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। तो साइटोप्लाज्म में क्या वाटर नहीं होता है क्या? सर होता है, होता है 90% तक वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा। और मैंने ये भी बताया था कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे क्या मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है क्या? इधर में और उससे क्या बनेंगे, सिंपल चीजें बनेंगी, बनेंगे नहीं बनेंगी भाई, क्लियर है ये बात? मैंने ओके ठीक है, अब सुनिए ध्यान से ये बात और ये बात, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। दो जो भी अगर कॉम्प्लेक्स, देखो ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स बना रखा क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, और ये है सिंपल चीजें जहाँ पे मैंने बॉन्ड नहीं बना रखे, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, अगर मुझे कोई चीज भी तोड़नी है, अगर मैं किसी चीज को तोड़ूंगा मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाऊंगा, तो यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन, क्या होगा, सॉरी यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे होगा हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है बताएंगे अभी, और इधर में होगा डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये बात आप लोग याद रहेंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो सकता है। हाँ जी मोनिका जी बोलिए, हैंड रेज क्यों किया है बताइए। सर हाइड्रो का मींस तो आता है और लाइसिस का मतलब टूटना। हाँ हाँ, तो ये वाटर की प्रेजेंस, जब मैं अब देखो इसका मतलब बताता हूँ आपको, जब भी मैं यहाँ पर क्या एड करूंगा, यहाँ पे जब भी मैंने वाटर एड किया है तो वाटर के ऐड करने से कोई चीज अगर टूट रही है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। समझ में आया भाई हाइड्रोलिसिस? क्लियर है? यस सर। और अगर मैं यहां से पानी को रिमूव कर दूं तो वो हो जाएगा डिहाइड्रेशन। अगर मैं पानी रिमूव कर दिया तो बॉन्ड बनते हैं, याद रखना, अगर किसी भी चीज को मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो वहां पे पानी निकल रहा होगा, और अगर मुझे कोई चीज कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनानी है तो पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा, और कोई भी चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनानी है तो पानी वहां से रिलीज होगा, निकलेगा। समझ में आया? तो ये मैंने आपको दो बेसिक रिएक्शन बताई हैं और ये आपके लिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट। अपने बॉन्ड तो बनाए होंगे ना, है ना, और ये सभी क्या है, ये सभी है बायो मॉलिक्यूल्स। ये कौन सी रिएक्शन बताई मैंने तुम्हें? बायो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन बताई, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो अंदाजा लगाइए आप अपने इस दिमाग से, जो भी सब बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग। सिर्फ बायो बोला है भाई, प्लग बदल दी जल्दी, प्लग बदल दी, लाइट बग्गी, लाइट बग्गी, प्लग बदल दी, प्लग प्लग, ये